सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आप लोग कैसे हैं गाइज? आई होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइज नोएडा सेक्टर 66। अभी अपने पीजी के ऊपर आया हूँ। ये पीजी जो हमारे हैं ना गाइज, मैं आपको बता दूँ, ये 7 मंजिल है। सबसे लास्ट वाले फ्लोर पर आया हूँ ऊपर में। मैं अभी थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा। ये जो ब्लॉग होने वाला है गाइज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज वीडियो बने रहे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करना। दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा नजारा है यहाँ से। सेक्टर 66 के पास कुछ इस तरह के व्यू देखने को मिलेगा आपको। फिलहाल मैं अपने पीजी के सबसे लास्ट फ्लोर से दिखा रहा हूँ। गाइज मैं आपको बता दूँ, वो जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग दिख रही है वो हो गया गाइज आपको गौर सिटी, जो गौर सिटी का बोर्ड है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये गौर सिटी है गाइज, देख सकते हो। यहाँ पे इतनी कंपनियां हैं कि हमेशा हायरिंग चलती रहती है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी फ्रेशर होते हैं जो यहाँ वर्क करने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से। यहाँ देख सकते हो 7 मंजिल पीजी है। नीचे गाड़ी वाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, एंड ये कुछ खाली स्पेस है। एंड यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। भाई क्या व्यू है यार। आगे आपको दिख रहा है ये मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन 59। ये देखते हो गाइस यहाँ पे मेट्रो जो चल रही है वहाँ पे। ये देख सकते हैं, ये हो गया हमारे पीजी का पार्किंग हॉल। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी लगती है। एंड फाइनली हम बाहर निकल चुके हैं पीजी से। यही पीजी हमारा एनसीआर। एंड फाइनली हम आ चुके हैं अभी मेट्रो स्टेशन। अभी चलते हैं न्यू दिल्ली। अभी फिलहाल 59 के पास है। करना पड़ता है, स्कैन करने के बाद खुल गया। हम टोकन ले चुके हैं, यही टोकन इस तरह के देखने को मिलेगा। अब आगे हमें रेलवे स्टेशन सबसे ऊपर। यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे मेट्रो, फिर यहाँ से जाएंगे न्यू दिल्ली। वीडियो में बने रहे, आज के ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला गाइस। आज वहाँ न्यू दिल्ली जाएंगे, न्यू दिल्ली से वहाँ से डायरेक्ट हम तिरुपुर के लिए। ट्रेन आ चुकी है, अब यहाँ से हम लोग स्लीपर घुसेंगे अंदर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। मेट्रो से बाहर आ गया हूं। देख सकते हैं यहां पे बोर्ड लगा हुआ है न्यू दिल्ली का, एंड कुछ इस तरह का व्यू देखने को आपको मिल जाएगा। भाई ये हो गया टिकट काउंटर, यहां पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है टिकट के लिए। जो ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म 3 पर आने वाली है, तो अभी फिलहाल हम 3 पर चलता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 3 पे, तो यहीं पे मेरी ट्रेन आने वाली है। चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ यहाँ से तिरुपुर कैसा रहता है जर्नी। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ट्रेन में। ये ट्रेन जाएगी तिरुपुर। फाइनली दिल्ली से खुली है और तिरुपुर जाएगी। भाई 2560 किलोमीटर पड़ता है ये, 2560 किलोमीटर जाना पड़ेगा आज। फर्स्ट टाइम इतना लंबा सफ़र कर रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ये हो गया बाथरूम, मास्क लगाते हैं और चलते हैं बॉगी में, आपको दिखाऊंगा। सेकेंड एसी का रूम है यहाँ पे, सेकेंड एसी कुछ इस तरह के देखने को आपको मिलेगा। मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ। एंड इधर है भाई थर्ड एसी, इधर जाओगे तो थर्ड एसी पड़ेगा। मैं अभी चलता हूँ सेकेंड एसी में, उसके बाद आपको जनरल भी दिखाऊंगा। वीडियो बने रहे। फाइनली पहुंच चुके हैं नागपुर। अभी बज रहा है 12 बजे नागपुर छोड़ दिए। देख सकते हो नागपुर का इस तरह का व्यू देखने को आपको मिलेगा रेलवे स्टेशन का। यू कैन सी गाइस, सो गाइस ये हो गया चंद्रपुर रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू देखने को आपको मिलेगा। देख सकते हैं जनरल बॉगी में कुछ इस तरह से प्रदूषण मिलेगा। देख सकते हैं इतना कचरा फैला हुआ। अभी बॉगी दिखाता हूँ आपको। Thank you.
गोदावरी नदी, यू कैन सी गोदावरी नदी जो तेलंगाना में पड़ती है। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले विजयवाड़ा। सो विजयवाड़ा अभी अप्रोक्स टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, बस इसका टाइम था 10:30 पर, लेकिन आधा घंटा लेट चल रही है। तो विजयवाड़ा हम पहुंचने वाले। विजयवाड़ा में कुछ इस तरह के नाइट व्यू देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। यू कैन सी गाइस जो लाइटें जो जल रही है सब पहाड़ पर घर बना रखे हैं यहाँ पे, एंड नाइट का समय है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा। सो रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। भाई ये देखो सब चढ़ रहे हैं, इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। यही है विजयवाड़ा। सो देख सकते हैं विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का कुछ इस तरह का व्यू है। सो मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से आपको दिखाने का। अभी टाइम हो गया 11:10। सो यू कैन सी गाइस यही गाड़ी है जो दिल्ली से आई है, तिरुपुर तक जाएगी, हमें तिरुपुर में उतरना है। सो फाइनली यही रहा हम लोग का जर्नी, और आगे दिखाते हैं। नाइट का डिनर यही है, तो देख सकते हैं आमलेट है, इसमें 2 अंडा है और 2-4 ब्रेड है। तो इसका प्राइस 50 रुपया है। एंड यहाँ पे देखो भाई रेलवे स्टेशन। सो यू कैन चुके हैं तिरुपुर। सो यहाँ पर देख सकते हैं तिरुपुर का बोर्ड, देख सकते हैं ये हो गया तिरुपुर का रेलवे स्टेशन, कुछ इस तरह के भी है, देख सकते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं भाई, 3 दिन के बाद हम पहुँचे हैं तिरुपुर। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं तिरुपुर। सो दिल्ली से खुली थी गाड़ी अप्रोक्स 8:10 पे, और यहाँ पर छोड़ी हमें 11:50 पे। सो 1 घंटा लेट थी गाड़ी यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच चुका हूँ तिरुपुर। सो यू कैन सी गाइस आज आपको तिरुपुर घुमाऊंगा जो तमिलनाडु के अंदर में पड़ता है तिरुपुर। देख सकते हैं यही है रेलवे स्टेशन, मैं बाहर निकल गया हूँ रेलवे स्टेशन से। सो गाइस मैं उस वक्त था तिरुपुर, तो तिरुपुर सब आ गया हूँ। तिरुपुर से आगे कुछ एक जगह का नाम पड़ता है पेरमान नाडोल। सो यही चौक है पेरमान नाडोल। सो यू कैन सी इस तरह से दुकानें यहाँ पे दिखेगी।